हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में। सो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टोकन क्या होता है जावा में, राइट? टोकन जावा में क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि टोकन पांच तरीके के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला था हमारा कीवर्ड्स, देन सेकेंड था हमारा आइडेंटिफायर, फिर थर्ड था हमारा लिटरल, फोर्थ था हमारा ऑपरेटर एंड फिफ्थ था हमारा पंचुएटर्स, राइट? सो ये पांच थे। अब इन पांचों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में बात करूंगा और उसके अगले वीडियो में लिटरल एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर और पंचुएटर के बारे में बात करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, कीवर्ड का मतलब क्या हुआ। अगर कीवर्ड की हम डेफिनेशन देखें, कीवर्ड का डेफिनेशन होगा, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, दैट हैव सम a specific meaning to the Java compiler, meaning to the Java compiler, right? तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। Keywords मतलब लगभग 48 to 50 words ऐसे हैं Java language में जो पहले से predefined है, right? मतलब पहले से Java ने उनकी meaning fix कर रखी है, उनको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। जावा का कंपाइलर उनकी मीनिंग पहले से जानता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आईएनटी एक कीवर्ड है, राइट? और पब्लिक भी एक कीवर्ड है, एक्सेट्रा। तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं, राइट? सो हमारा जो प्रोग्राम होता है, जैसे सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा क्लास एबीसी और इसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया void add और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिया int a और b, और a में मैंने स्टोर कर लिया 10 और b में मैंने स्टोर कर लिया 20 और फिर मैंने प्रिंट कर दिया system.out.print a plus b। ये हमारा प्रोग्राम है, राइट? सो ये प्रोग्राम हमने किस लैंग्वेज में लिखा है, जावा के लैंग्वेज में। और जो हमारा कंप्यूटर है जहां प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज 0101। सो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है? सो हमारे कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर हैं, दो प्रोग्राम्स हैं। एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर, राइट? अब ध्यान से समझना, हमारा जो कंपाइलर है, सबसे पहले एक प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास, ठीक? और एक कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ध्यान से समझना, जावा एक लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम कंपाइलर के पास पहले जाता है और कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम में पहले देखेगा कोई एरर है कि नहीं, और एरर नहीं होगा तो पूरे प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो कंपाइलर ने इस पूरे प्रोग्राम को बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट किया? सपोज यहाँ पे कोई बंदा बैठा है ए नाम का, अगर वो फ्रेंच में बात कर रहा है और बी जो है ए की बातों को ट्रांसलेट कर रहा है किसी और लैंग्वेज में, मतलब बी को फ्रेंच अच्छे से आती है तभी तो ए के लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पा रहा है। उसी तरह कंपाइलर इस जावा प्रोग्राम को अगर बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कंपाइलर को इस प्रोग्राम में जो भी लिखा हुआ है हर चीज का मतलब पता है, राइट? इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स That have some specific meaning to the Java compiler. Java में keywords reserved words होते हैं जिनके कुछ meaning है compiler के लिए। जैसे class, हम जैसे ही compiler इस line को read करेगा class ABC, वो समझ जाएगा class का मतलब, उसको पहले से पता है कि कहीं class लिखा हुआ है तो मतलब class create किया जा रहा है। अगर यहाँ A के पहले int लिखा है तो int एक keyword है, compiler इसको read करते ही समझ जाएगा A B के पहले int लिखा है, मतलब A और B में integer store करना है। So void भी एक कीवर्ड है, राइट?
सो आई होप कीवर्ड समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है। रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो, इनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होती है। ऐसे 48 टू 50 कीवर्ड्स हैं, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो सबका नाम, कीवर्ड्स इन जावा आप गूगल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो है आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर क्या होता है? सो आइडेंटिफायर का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लास एक्सेट्रा। सिंपल ऐसे समझो, जावा में जितने वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्लास होते हैं, उन सब के नाम को एक कॉमन टर्म आइडेंटिफायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्रोग्राम, अगर आप तुमने क्लास बनाया है, क्लास का नाम है एबीसी, तो एबीसी क्या है? क्लास है, और एबीसी को हम आइडेंटिफायर भी बोलेंगे। सपोज एक वेरिएबल लिया है आईएनटी ए, तो ए क्या है? वेरिएबल है, बट ए भी आइडेंटिफायर है। अगर कोई फंक्शन बनाया है तो फंक्शन का जो भी नाम होगा वो भी आइडेंटिफायर होगा। तो जावा में किसी भी चीज का नाम जो होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन, क्लास एक्सेट्रा। अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स क्या होते हैं? सो मैं यहां पे लिख देता हूं, नेमिंग कन्वेंशन फॉर आइडेंटिफायर, नेमिंग कन्वेंशन फॉर आइडेंटिफायर। अब सबसे पहला रूल है, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, अंडरस्कोर क्या होता है? ए, जैसे लिखते हो ना ए अंडरस्कोर बी, तो इसी को अंडरस्कोर बोलते हैं। सो डॉलर साइन अंडरस्कोर एंड लेटर, लेटर में मतलब ए टू जेड, अपर केस में भी हो लोअर केस में भी हो सकता है। सो इस रूल का मतलब समझो, अगर प्रोग्राम में तुमने कोई भी आइडेंटिफायर लिया है, तो आइडेंटिफायर मतलब कोई भी वेरिएबल, क्लास नेम, फंक्शन नेम, तो या तो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या तो लेटर मतलब ए टू जेड, चाहे अपर केस में हो या लोअर केस में हो, लेटर से स्टार्ट होगा। अब जैसे अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने क्लास बना दिया, क्लास 9ABC, सो ये क्लास नेम गलत है, एरर दे देगा, क्योंकि नंबर से स्टार्ट हुआ है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब सपोज मैं यहाँ से 9 हटा देता हूँ, ABC, अब सही है? हाँ सही है, क्योंकि लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैंने डॉलर से स्टार्ट कर दिया, डॉलर ABC, अब सही है? बिल्कुल सही है, डॉलर से स्टार्ट हो सकता है। उसी तरह कोई भी अगर वेरिएबल हम ले रहे हैं, INT ए, सही है? ओके, बिल्कुल सही है। एक और वेरिएबल लेते हैं INT 2B, तो ये सही है? नहीं, गलत है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो आई होप क्लियर हो गया होगा पहला रूल, कि आइडेंटिफायर जो है हमारे वो या तो लेटर से स्टार्ट होंगे, या फिर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होंगे, या फिर हमारे डॉलर साइन से स्टार्ट होंगे। सेकेंड रूल है हमारा, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ए कि जावा अपर केस को और लोअर केस को अलग अलग कंसीडर करता है। जावा के लिए अपर केस लोअर केस सेम नहीं है। मतलब तुमने कोई वेरिएबल लिया INT ए, और फिर तुमने यहाँ पे स्टोर किया ए असाइन विद 10, तो एरर दे देगा, बोलेगा भाई ये ए, तुमने वेरिएबल तो ए डिक्लेयर किया है, बट ये दूसरे वेरिएबल में 10 को स्टोर कर रहे हो। सो बेसिकली जावा के लिए अपर केस और लोअर केस दोनों अलग होते हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थर्ड रूल, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आइडेंटिफायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल, फंक्शन, क्लास नेम, इन सब का लेंथ कुछ भी हो सकता है। तुम चाहो तो एक वेरिएबल सिंपल एक लेटर का ले सकते हो, और चाहो तो
माई वेर, ऐसे मल्टीपल लेटर का दे सकते हैं, बस बीच में स्पेस है, गलती से यहाँ लग रहा है कि स्पेस है बट स्पेस नहीं होगा बीच में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारा थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल कि आइडेंटिफायर्स का लेंथ कुछ भी हो सकता है, जो भी क्लास नेम हम बनाते हैं उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। देन फोर्थ रूल है हमारा, नो स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड, नो स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड। सो आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल सिंबल, जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, इवन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड, इन सब में किसी का यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल सिंबल। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर के रूल्स क्या हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरल की बात करने वाले हैं। लिटरल थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसमें पूरा एक वीडियो जाएगा, एंड देन उसके अगले वीडियो में हम ऑपरेटर और पंचुएटर्स की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।